दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2011 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको हम फुल डिटेल्स में डिस्कस करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आप इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीख पाए। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डाल चुका हूं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो आई एम श्योर आपका जो स्कोर है वो 100% जो है इम्प्रूव होगा। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज, अगर इस पार्ट को देखें तो द फ्यूचर यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, फूड कंपनीज यहां पर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। तो अभी तक अगर हम देखें तो द फ्यूचर यहां पर सब्जेक्ट है। यहां पर वर्ब आया सीम्स जो एक सिंगुलर वर्ब है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिन वर्ब्स के साथ एस लगा हुआ है, जैसे मान लिए इज और आर है, वाज और वर्ब है, हैज और हैव है, अगर इनमें से देखें तो इसके साथ और इसके साथ एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। अगर मुझे दिखाना है प्लेस तो ये वाला एस लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब बनेगा प्ले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये तो बने आपके सिंगुलर वर्ब और ये वाले बने आपके प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट था और सिंगुलर वर्ब बन गया तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सीम्स क्वाइट सिक्योर, और दूसरी बात ये कि ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो क्वाइट सिक्योर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहां पर अगर आप देखेंगे ऑफ टू एवर ग्रोइंग डिमांड तो यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर आना चाहिए ओविंग टू। ध्यान रखिएगा ये जो टर्म है owing to, इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है because of। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको ing form में ही इस्तेमाल किया जाता है और इस meaning को contain करके ये रखती है। तो यहां पर हो जाएगा because of ever growing demand, तो यहां पर answer हो जाएगा आपका C। I hope ये concept आप समझ गए होंगे और ये बहुत बार SSC के different questions paper में different questions जब आप set लगाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। Next question देखिए, the vaccine when hit the Indian market is dogged by controversy। समझने की कोशिश कीजिए, ये subject बन गया। ठीक है, और ये बता रहा है when hit, अब ये जो hit है ये किसके लिए आया, vaccine के लिए आया, और कहीं ना कहीं जो हिट की तीनों फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती है, हिट हिट और हिट। इसको मान लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको मान लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसको मान लेते हैं थर्ड फॉर्म। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो सीधी सी बात है वर्ब सिंगुलर आएगी ना, यानी कि हिट्स आएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हिट्स होती, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां वर्ब की फर्स्ट, यानी यहां पर प्रेजेंट में ये बात कैसे जा सकती है, तो ये किस्सा ऐसे हो जाएगा कि ये वाज में जाए। और दूसरी बात ये कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन रहा होगा इसका, द इंडियन मार्केट वाज डॉग्ड बाय, तो सीधी सी बात है इंडियन मार्केट इज नॉट द डूअर। पैसिव में हम तभी लेके जाते हैं जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होता बल्कि रिसीवर होता उस एक्शन का। आई होप ये समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां पर बात पास्ट में हो रही है तो बात पास्ट में लेके जाए, इज नहीं चलेगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। देखिए एक बात समझिएगा, दो टर्म होती है आपके पास, एक होता है हार्ड
और एक होता है हार्डली। ठीक है, हार्ड का मतलब दो हो सकता है। देखो हार्ड जो है एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है और हार्ड जो है एडवर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। जब ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हार्ड ही हो जाएगा, ठोस हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सख्त, जैसे हार्ड सरफेस। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे लिखा हार्ड सरफेस तो इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस यहां पर नाउन हो गया और हार्ड यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया, ठोस। ठीक है, अगर हार्ड का इस्तेमाल किया जाए एडवर्ब की तरह तो इसका मतलब हो जाता है विथ ग्रेट एफर्ट। ठीक है, विथ ग्रेट एफर्ट्स ये मतलब हो जाता है। और हार्डली जो होता है ये एडवर्ब की तरह ही यूज होता है और इसकी मीनिंग होती है ऑलमोस्ट नो एफर्ट, ऑलमोस्ट नो एफर्ट। ठीक है, यानी ये ग्रेट एफर्ट्स है जबकि ये नो एफर्ट है। तो यहां पर ही सन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होगा, यहां पर होगा वेरी हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। ये मैं कई बार कह चुका हूं आपसे, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसी पर्सन को रिलेट करता है, यहां पर देखा जाए तो ये आई को रिलेट कर रहा होगा, यहां पर आई आ गया। अब ही भी कोई पर्सन नहीं होता, मान लीजिए ही इसको रिलेट कर रहा है। तो अगर मुझे मान लीजिए इज एम आर से सेलेक्ट करना, सपोज कीजिए पहले, तो ये इसके एंटेसिडेंट पार्ट के अकॉर्डिंग लेगा तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, और ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। ठीक है, और अगर मान लीजिए मुझे लेना हैस और हैव में से तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है, और अगर ही के अकॉर्डिंग लूंगा तो क्या आ जाएगा, हैस। तो ये एंटेसिडेंट पार्ट के अकॉर्डिंग है, अगर यहां आई है तो यहां पर हैस तो नहीं आ सकता, यहां पर आना चाहिए है। ये अगर आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देखिए तो मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेसिडेंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। यहां पर जो द कंपनी है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज ऑर्डर्ड वर्ब का पार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हो गया। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट, तो उसका रिप्लाई आ गया सम न्यू इक्विपमेंट्स। ध्यान रखिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इक्विपमेंट्स उन्हीं में से एक है, यहां पर इक्विपमेंट्स कभी नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ और बताऊं तो जैसे सीनरी है, ठीक है, लगेज है, मैं कह सकता हूं कि फर्नीचर है, ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट है, इसको भी कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और बहुत से जैसे आप कह सकते हो कि ज्वेलरी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप प्लूरल फॉर्म में ना लिखें। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इनका ध्यान रखिएगा। आप नाउन की वीडियो मेरी देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको बहुत ही डीपली इसको डिस्कस किया है, मैंने ये भी बताया कि इसके पीछे का रीजन क्या है। उसके लिए आप प्लीज वो वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नाउन के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली। भैया ये तो सभी को पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। अब अगर यहां पर आप देखें हैव आया है तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, और दूसरा मैंने ये देखा कि मैनी लगा है, मैनी जो होता है किसका इंडिकेटर होता है कि वो जो है सब्जेक्ट प्लूरल रहा होगा, तो दोनों ही बातें हिंट ये दे रही है कि यहां पर प्लूरल वर्ब सब नाउन आना चाहिए था। आंसर हो जाएगा आपका ए, यहां पर होगा ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहां पर वी सब्जेक्ट हो गया, आर गोइंग वर्ब का पार्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। व्हाट टू लॉन्च, तो टू लॉन्च जो है टू इन्फिनिटिव हो गया, जो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये अपना खुद का ऑब्जेक्ट ले लेगा। अब ये जो दिस है ये किसके लिए आया, प्रोजेक्ट के लिए आया, इसलिए ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। अभी जो बीच वाला पार्ट है 3 करोड़, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है कि नहीं रहा, और प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं नाउन है। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा वर्ड या फिर सेट ऑफ वर्ड जो नाउन के बारे में बताएगा वो होगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये पार्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी कि प्लूरल सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हो सकती है, या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर वर्ब हो सकता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से विचार करेंगे तो आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये प्लूरल नहीं हो सकते। तो अगर ये नाउन के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। प्लूरल नहीं होना चाहिए मतलब ये है कि 3 करोड़ आएगा, ये 3 करोड़ नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। तो यहां पर आई सब्जेक्ट का काम करेगा, होप वर्ब का काम करेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आ गया। टू गो जो है ये टू इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये नाउन का काम कर पाते हैं, इवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, इनको भी अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाए तो ये भी जो है नाउन का काम कर पाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ये अकेले भी आ जाते हैं और कई बार अपने बाद अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी ले पाते हैं। जैसे मैं कहूं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो स्मोकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो स्मोकिंग कहीं ना कहीं नाउन है, ये जेरंड है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्मोकिंग जो है आपका खुद का ऑब्जेक्ट ले ले, स्मोकिंग यहां पर कह दू टू मच, या फिर स्मोकिंग सिगरेट्स, ठीक है, तो ये खुद का ऑब्जेक्ट ले लेगा इसकी मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करने के लिए। तो उसी तरीके से यहां पर ये जो है टू गो, यहां पर अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए आगे जो है लेगा, तो यहां पर टू की जरूरत नहीं होगी। आई होप टू गो व्हाट शॉपिंग, ये डायरेक्ट आना चाहिए और आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखो, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर के बाद वर्थ यहां पर अपने बाद ले लेगा जेरंड, यानी वर्थ टेकिंग, ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। अब देखो क्या है, आफ्टर है प्रीपोजिशन आपका, ठीक है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा, ए आया है तो आर्टिकल रहा होगा, ए इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होगा, ठीक है। अब ये बात है कि इन्वेस्टिगेशन नाउन हो गया, अब नाउन के साथ इस एडवर्ब का इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता ना, वी नीड एन एडजेक्टिव, तो यहां पर होगा केयरफुल। आप ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव जो है वो एड करके जानकारी देता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो एडवर्ब होता है वो एड करके जानकारी देता है वर्ब के बारे में, ठीक है, किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में। तो यहां पर अगर नाउन के बारे में ऐड करके जानकारी देनी है कि इन्वेस्टिगेशन, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल, तो यहां पर केयरफुली एडवर्ब का इस्तेमाल करना गलत है। इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं, आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसका लिंक शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। शुक्रिया दोस्तों।